Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ritu and my today's video is about your favorite haul, favorite miso footwear haul. So now without any further ado, let's get jump to the video. आज के वीडियो में मैं आप लोगों से सबसे एज अ जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, सबसे पूछ रही हूँ कि आप किसका हॉल चाहते हो. मेरे को एक पर्टिकुलर हॉल बनाना है, तो आप किस चीज़ का हॉल चाहोगे? अगर आप अमेज़ॉन का चाहते हो, मिंत्रा का चाहते हो, मीशो का चाहते हो. आई नो मीशो का जब भी मैं देखती हूँ कमेंट में, सबका मीशो ज़्यादा आता है, लेकिन मैं चाहती हूँ मिंत्रा वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह पर भी ज़्यादा हॉल लेकर आऊँ. तो इस पर्टिकुलर वीडियो के कॉमेंट्स में जितने ज़्यादा कॉमेंट्स एक चीज़ के लिए होंगे, मैं उस पर हॉल करूँगी. एंड वन मोर थिंग, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलती कि मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर भी नहीं शो करती कि सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन दबाओ. बट प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करिए. अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे या थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए. और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. आई नो कुछ लोग तो इतने जुड़े हुए हैं जो मेरी वीडियोज़ डेली लाइक करते हैं एंड हर बारी कमेंट करते हैं, आई रियली लव यू, बहुत सारा प्यार भी देते हैं वो. सो थैंक यू सो मच गाइज. तो आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा पका लिया आप लोगों को, अभी बढ़ते अपने वीडियो की तरफ. सो माई वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ग्रीन फ्लैट. प्राइस इज अराउंड 277 और मैंने इसे लिया है 37 साइज में, मींस 4 साइज में. एंड ये वाला कलर काफी ज्यादा ट्रेंडी है. ट्रांसपेरेंट स्टेप वाले हील्स और फ्लैट भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, दैट्स व्हाई आई परचेज्ड इट. एंड प्राइस बहुत ज़्यादा डिसेंट था, बहुत बजट में मेरे को ये मिले हैं, दैट्स वाई आई परचेज दिस. एंड यू नो वॉट, जनवरी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, फरवरी आने वाला है, समर्स भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, एंड उसके लिए हमें इस तरीके के कंफर्टेबल फ्लैट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. जीन्स के साथ, एथनिक्स के साथ, सबके साथ बहुत ज़्यादा जाते हैं, ड्रेसेस के साथ तो बहुत ही ज़्यादा वेयर लगते हैं. इवन आप शॉर्ट्स के साथ भी डेफिनेटली वेयर कर सकते हो. एंड आई रियली लाइक दिस वन, क्योंकि इसमें वहाँ पर काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएंगे आपको. एंड दिस कलर इज़ रियली रियली गुड. सो ओवरऑल मुझे इसकी क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डिसेंट लगी. एक बार लुक दिखा देती हूँ उसका. यहाँ पर इस तरीके की दो ट्रांसपेरेंट स्टेप मिल जाएंगी आपको, एंड पीछे आपको इस तरीके से मिलेगा, नॉर्मल जैसा होता है, स्लिपरी नहीं होगा, स्लिपरी बिल्कुल नहीं होगा. एंड स्टेप्स जो ट्रांसपेरेंट स्टेप है, उनके दोनों साइड उसी कलर का बॉर्डर अप्लाई कर रखा है इस तरीके से. एंड मैंने अभी तक जितने भी ट्रांसपेरेंट वाले हील्स और फ्लैट लिए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सॉफ्ट इसका प्लास्टिक है. एक्चुअली प्लास्टिक ही है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल हार्ड नहीं है. एंड आफ्टर वेयरिंग ये बिल्कुल भी नहीं चुभ रहा था. पहले मैंने आपके साथ जो शेयर करे थे, उसमें मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है, उसके बाद बिल्कुल वो बहुत सॉफ्ट हो जाता था, लेकिन ये स्टार्टिंग से ही इतना सॉफ्ट है. तो आई रियली लाइक दिस. ओवरऑल क्वालिटी वगैरह मुझे सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एंड आफ्टर वेयरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लग रहे थे. White heels, prices around 370 और मुझे काफ़ी decent price लगा. Sizes 37 means 4 size and I really like this. बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. अगर आप इस प्राइस में कोई अच्छे हील, कंफर्टेबल एंड अच्छी क्वालिटी में चाह रहे हो, तो आप डेफिनेटली इनको परचेज कर सकते हो. एंड इसमें आपको 3 से 4 कलर्स मिल जाएंगे. ब्लैक करना चाहते हो तो आप ब्लैक के साथ जा सकते हो. एंड मैं हमेशा एक वाइट कलर लेती हूँ ना, इसके लिए मैंने ये वाला कलर लिया. पहले जो मैंने लिए थे उनमें शाइनिंग नहीं थी बिल्कुल भी, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी शाइन दी है. तो आप पार्टीज़ वगैरह में डेफिनेटली इसको वेयर कर सकते हो. यहाँ पर आपको इतनी हील मिल जाएगी. ये सेंटीमीटर वगैरह में आप पूछते हो, मुझे नहीं पता सेंटीमीटर वगैरह का हिसाब, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में जाके देखना पड़ता है और मैं कभी सेंटीमीटर के हिसाब से लेती भी नहीं हूँ. मेरा साइज़ 37 है और मेरे को परफेक्ट फिट होता है. तो आपको अगर सेंटीमीटर्स वगैरह में देखना है, तो वहाँ पर सारी डिटेल्स वगैरह होती हैं, तो आप सेंटीमीटर में जाके चेक कर सकते हो. बाकी यहाँ पर आपको इस तरीके की स्टेप मिल जाएंगी. एज आई टोल्ड यू, इस तरीके के हील्स काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि पैर अच्छे से ग्रैब हो जाता है. एंड बैक से आपको इस तरीके का मिलेगा, एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो, बहुत अच्छी शाइन दी हुई है. ओवरऑल सोल वोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड बिल्कुल भी चीप जैसा नहीं लग रहा है ये, एंड ना ही इसकी फिनिशिंग और स्टिचिंग वगैरह कहीं से भी चीप या बेकार लग रही है. ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, एंड इसका सोल भी काफ़ी कंफर्टेबल है. अलग से ये चीज़ अप्लाई कर रखी है फॉर योर कम्फर्ट, तरीके का हुक मिल जाएगा. तो या दैट्स इट. She loves me when
नेक्स्ट आई गॉट अगेन अ फ्लैट, प्राइस इज अराउंड 290 और मैंने इसे लिया है 37 साइज में। इसमें आपको पीछे इस तरीके का मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसे जैसे आप देख पा रहे हो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरीके का दे रखा है, तो बिल्कुल स्लिपरी नहीं होगा और इतना मोटा इन्होंने सोल दे रखा है ना ऊपर वाला और नीचे वाला कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। और ये जो चीज़ दे रखी है ये बिल्कुल भी काटने वाली नहीं है, बिल्कुल चुभने वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। इवन ऑफिस वगैरह या नॉर्मल घर पे भी वेयर कर सकते हो। ये वाला कलर तो नहीं अच्छा लगेगा ऑफिस वगैरह के लिए, लेकिन आप ब्लैक कलर में भी परचेज कर सकते हो। बाकी इसमें आपको आई थिंक 5 से 6 कलर्स मिल जाएंगे, मैंने ये येलो कलर लिया है। कि वहाँ पर और भी अच्छे अच्छे कलर्स हैं, मेरे को थोड़ा सा अलग अलग कलर का लेना था, इसमें भी मुझे ग्रीन कलर पसंद आ रहा था तो मैं इसका एक बार लुक दिखा देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, फर्स्ट तो बहुत कंफर्टेबल है जैसे मैं बता चुकी हूँ। एंड यहाँ पर आपको इस तरीके की स्ट्रैप्स मिलेंगी, वो सेम लेदर वाले फैब्रिक से बनाई हुई है। कम्फर्ट के साथ जाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो। एंड ओवरऑल ये बहुत इस तरीके से स्टिच नहीं होगा तो ये आगे चल के भी बिल्कुल लूज वगैरह नहीं होगा, बस यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके इसे ग्रैप करके ऐसे पेस्ट किया हुआ है। एंड ओवरऑल आई रियली लाइक दिस एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इस तरीके के फ्लैट्स को भी आप किसी के साथ भी पेयर अप कर सकते हो। और दीज बेलीज प्राइस इज अराउंड 270 और मैंने इसे लिया है 37 साइज में, है ना बहुत अच्छा प्राइस। एंड मैंने अभी तक कोई भी बेली आपके साथ शेयर नहीं करी थी, हील्स वाली बेली मैंने आपके साथ शेयर करी हैं लेकिन ये फ्लैट वाली बेलीज मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी। एक्चुअली मेरे को खुद को एक चाहिए थी तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। एंड इसमें जो मैंने कलर लिया था ना वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, थोड़ा सा ब्लूइश लग रहा था, लेकिन ये मेरे को थोड़ा सा ग्रेश वाला मिला है, बट नॉट बैड क्योंकि इसमें आपको कई सारे कलर्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये कलर नहीं अच्छा लग रहा तो आप डेफिनेटली दूसरा कलर परचेज कर सकते हो। बाकी अभी इसका एक बार लुक शेयर कर देती हूँ आपके साथ। बैक से कुछ इस तरीके से मिलेगा कि स्लिपरी ना हो। एंड यहाँ पर जो अप्लाई कर रखा है वो लेदर है, शाइनिंग वाला लेदर है जैसे व्हाइट कलर के साथ अप्लाई कर रखा था। एंड यहाँ पर आपको इस तरीके की बो मिल जाएगी, काफ़ी अच्छे से स्टिच कर रखी है तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। एंड पूरे पर इस तरीके का शाइनिंग वाला लेदर अप्लाई कर रखा है। अकॉर्डिंग टू प्राइस आई थिंक इट्स वर्थ इट, मैं ये नहीं बोलूंगी कि प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिली है। जैसे हम लोग नॉर्मल मार्केट्स में परचेज करते हैं कुछ उसी तरीके का है, बट या बहुत मतलब बहुत अच्छी फिनिशिंग है इसकी एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी दी है तो ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। एंड इसमें आपको कलर्स मिल जाएंगे, बाकी ये काफ़ी कंफर्टेबल है। क्या होता है बेलीज वगैरह बहुत ज़्यादा काटती हैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहती, लेकिन इसका जो अंदर अप्लाई कर रखा है ना वो बहुत ज़्यादा थिक है तो उसकी वजह से ये बिल्कुल कंफर्टेबल है, कहीं से भी काट नहीं रही, कहीं से भी चुभ नहीं रही, तो या आई लाइक इट। एंड बहुत क्यूट भी लग रही है, इस तरीके की बेलीज आप ड्रेसेस वगैरह फ्रॉक ड्रेस के साथ काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती हैं तो जीन्स के साथ तो डेफिनेटली अच्छी लगती है, सो या आई लाइक इट। आज का मीशो फुटवेयर हॉल वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इस बार नहीं भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज कमेंट करना मत भूलना कि आप अगला हॉल किस पर चाहते हो। एंड प्लीज यार लाइक कर देना। बाय।